इनको अपने जो इनको मन करेगा ना वो कर सकते हैं, पावर लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, जो इनका मन करे। अब हम देखेंगे जो मीजोमॉर्फ हैं, ये बॉडी बिल्डिंग में अगर ये जाना चाहें तो बॉडी बिल्डिंग में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। दे आर द पीपल विद द, इनको कहते हैं मतलब गॉड्स जीन्स, ब्लेस्ड जीन्स, बेस्ट जीन्स, ठीक है ये। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉडीज, दैट्स एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ। मैंने आपको अपनी पर्सनल सजेशन में ये बोला था, अगर आप एक्टोमॉर्फ हो आप क्रिकेट में जाओ, अगर आप एंडोमॉर्फ हो आप पावर लिफ्टिंग में जाओ, वेट लिफ्टिंग में जाओ, और अगर आप मीजोमॉर्फ है आप कहीं भी जा सकते हो, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, एक्टिव सपोर्ट्स, इन व्हाटसो एवर यू आर, दिस इज अ ब्लेस्ड चीज, दैट्स मीजोमॉर्फ। देखो एक्टोमॉर्फ में जैसे नॉर्मली जो वो बंदे होते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हमारे पास विराट कोहली है, डेविडसन है, शिखर धवन, आपने देखा वो थोड़ी इतने इतने बड़े बॉडी बिल्डर हैं, मतलब बिल्कुल यूं चेस्ट बाहर इतना इतना, और डोले बिल्कुल यूं यूं 18-18, 19-19 इंच के बाइसेप्स तो नहीं होते उनके, बिल्कुल श्रेडेड होते हैं, उनकी लीन मसल होती हैं, क्योंकि उनको एक्टिव रहना होता है, दैट्स बेस्ट पॉइंट उन्होंने समझा, मुझे लगता है उन्होंने अपनी बॉडी को समझा, उन्होंने वो सपोर्ट्स में चले गए। दूसरा हमारे पास होता है एंडोमॉर्फ, वो पावर लिफ्टिंग में जा सकते हैं, वेट लिफ्टिंग में जा सकते हैं, उनके लिए बेस्ट रहेगा, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं इस वेट लिफ्टिंग हो रही है इसमें। तीसरा होता है मीजोमॉर्फ, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको अपने जो इनको मन करेगा ना वो कर सकते हैं, पावर लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, जो इनका मन करे। अब हम देखेंगे जो मीजोमॉर्फ हैं, ये बॉडी बिल्डिंग में अगर ये जाना चाहें तो बॉडी बिल्डिंग में कहाँ कहाँ जा सकते हैं ये। देखो तीन कैटेगरी के हमारे पास बॉडी बिल्डिंग होते हैं, एक होता है मेंस फिजिक, सेकंड होता है क्लासिक फिजिक, तीसरा होता है हमारे पास बॉडी बिल्डिंग, जनरल बॉडी बिल्डिंग जो इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, ओलंपिया जिसे कहते हैं। अगर हम मेंस फिजिक देखो, हर एक बंदे की जीन्स सेम नहीं होते हैं, किसी के जीन्स बहुत अच्छे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो सकती है, उनका चेस्ट एकदम मतलब बड़ा बड़ा चेस्ट, एक एक बाइसेप्स उनके बड़े बड़े, और एक और बंदा अगर वो वही एक्सरसाइज करे, वही डाइट खाए, अगर वो मीजोमॉर्फ में भी है तो वो उतना ज़्यादा फैल नहीं सकता, क्योंकि जीन्स का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है। इस पर देखेंगे अलग से टॉपिक में, व्हाट आर जीन्स, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, व्हाट आर द रोल्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डिस्कस। देखो अगर हम अब बात करेंगे जो मेंस फिजिक वाले होते हैं, इनमें जो मसल्स होते हैं वो बिल्कुल कम ही होते हैं, मतलब रिप्ड होते हैं, बिल्कुल श्रेडेड होते हैं, मसल्स होते हैं ज़्यादा नहीं होते, बिल्कुल रिप्ड होते हैं। अगर आप देखना चाहोगे ये जो मेंस फिजिक है, ये 2013 एक नया कंसेप्ट है, 2013 में लाया गया है, क्योंकि जस्टिस नहीं होता था, बॉडी बिल्डिंग वाले जो ब्लेस्ड विद जीन्स हैं वही टाइटल जीत लेता था। अब जिनके पास थोड़ी कम, अगर वो वही मेहनत करे, उनका मतलब नेचर सपोर्ट नहीं करता, तो बॉडी बिल्डिंग फेडरल एसोसिएशन जो भी होगी उन्होंने कहा कि वी विल हम सेपरेट इनका कंपटीशन करेंगे, दैट्स कॉल्ड मेंस फिजिक। ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी बॉडी में बिल्कुल मतलब श्रेडेड होंगे, बिल्कुल एब्स, चॉकलेट जैसे एब्स, और इनका एक चीज़ बेनिफिट है, इनको लेग्स शो नहीं करने पड़ते, लेग्स इनको ढकने का पड़ते हैं, इनका बस ऊपर से देखा जाता है, वो काल्स भी शायद देखे जाते हैं इनमें। ये बिल्कुल मेंस फिजिक, इस इज कॉल्ड फिटनेस बॉडी जो होती है, फिटनेस मॉडल्स जो होते हैं वो होता है मेंस फिजिक। अब दूसरा जो होता है वो होता है क्लासिक फिजिक, क्लासिक फिजिक, हाँ मेंस फिजिक में फॉर एग्जांपल आप देखो जर्मी बॉन्डिया 2014, 2015, 2016, 2017 उसने मेंस फिजिक टाइटल ले लिया। दूसरे भी हैं जैसे क्या नाम है उसका, फरहान यार एक बहुत ही बढ़िया बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने भी टाइटल जीते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है, दैट्स क्लासिक फिजिक। क्लासिक फिजिक में क्या होता है कि इनमें ज़्यादा मसल नहीं होते, ज़्यादा कम भी नहीं होती है, एक मतलब एक नॉर्मल जो मसल होते हैं, नॉर्मल मसल्स, गुड मसल्स, जिनको देख के मतलब हमको ऐसा लगे कि बिल्कुल टोन्ड होते हैं, ये श्रेडेड नहीं होते, टोन्ड होते हैं, बिल्कुल एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल चेस्ट अलग हो गया, बाइसेप्स अलग होगी, सिमेट्री होती है, मसल सिमेट्री होती है। तो ये आते हैं इनमें, इनमें बोल्ट एक बॉडी बिल्डर है, लैरी व्हील्स है, ये मतलब इनमें आते हैं, किनमें, जो क्लासिक फिजिक होता है। तीसरा हमारे पास होता है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एक मतलब जो हम सबको पता होगा, जितने भी इनमें मतलब विनर्स होते हैं हम सबको पता होता है, हाँ यार इस साल इसने जीता, और मेंस फिजिक और क्लासिक में हमको कम ही पता होता है कि हाँ इसने जीता। बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, दे आर ब्लेस्ड विद द बेस्ट एवर पॉसिबल जीन्स, ठीक है, इनकी इनके मसल्स बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं, इनका जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है बॉडी में वो होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है,
इनमें होता है फॉर एग्जाम्पल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो भी था, रॉनी कोलमैन, जे कटलर, बिग रैमी जिनने दो बार पिछले साल इस साल भी टाइटल जीता, दे आर द पीपल विद द, इनको कहते हैं मतलब गॉड जीन्स, ब्लेस्ड जीन्स, बेस्ट जीन्स, ठीक है, ये खेल सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। अगर आप मीजो, मेरी मतलब मेरी सजेशन के हिसाब से अगर आप मीजो मॉफ कैटेगरी में हो तो ये तीन कॉम्पिटिशन आपके लिए अवेलेबल है, ये यहाँ पे आप खेल सकते हो। मेंस फिजिक अब स्टेट लेवल पे भी होता है, मेंस फिजिक स्टेट लेवल पे भी होता है, क्लास फिजिक स्टेट लेवल पे भी होता है, बॉडी बिल्डिंग ये आपकी डोमेन है। कम से कम हमको पता होना चाहिए व्हाट्स माय डोमेन, इतना तो हमको पता होना चाहिए। नहीं यार उठा सर मुंह उठा के आगे जिम में जो वो कर रहा है मैं भी करूँगा, बाइसेप्स वो ट्राइसेप्स कर रहा मैं भी। अलग अलग मेंस फिजिक में अलग कैटेगरी होती है, और जो क्लासिक मेंस फिजिक में आपको ये ढकना पड़ता है, क्लासिक फिजिक में आपको हर एक लेग्स भी देखते हैं, बैक भी सब कुछ देखते हैं, और बॉडी बिल्डिंग में ग्लूट्स तक देखते हैं, कॉल्स देखते हैं, ग्लूट्स दे, हर एक मसल, जितने भी मसल्स हमारी बॉडी में हर एक मसल को काउंट किया जाता है, उनकी श्रेडिडनेस देखी जाती, उनकी सिमिट्री देखी जाती है। एटलीस्ट हमको पता होना चाहिए अगर हम बॉडी बिल्डिंग के मतलब फिटनेस फ्री हैं, एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट्स अवर डोमेन, व्हाट्स अवर लिमिट्स, वेयर वी कैन गो इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो दैट्स द करियर वेयर यू कैन गो। अब आपको डिसाइड करना है, देखो तीन कैटेगरीज है इसमें, बिल्कुल अलग डाइट है, बिल्कुल अलग प्रोग्राम है तीनों कैटेगरीज में, ठीक है। अगर आप फिर अगर आप मीजोमॉर्फ में हो और आपके जीन्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बॉडी बिल्डिंग में जाओ। अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेल सकते नेशनल में जाओ, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं, और द थिंग्स आर ग्रोइंग इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, द थिंग्स विल बी आर मच मोर ग्रोइंग। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। ये दो लेक्चर्स बिल्कुल पैरेलल थे एक दूसरे के, मतलब कह सकते हैं हम। तो अब हम देखेंगे आगे कि जो हमारी जीन्स होते हैं उनका क्या रोल होता है बॉडी बिल्डिंग में, या मसल्स जो हम इस टॉपिक पे बात करें, जो मसल्स होते हैं हमारे, जो मसल्स होते हैं ये मसल्स कैसे डेवलप होते हैं, इनके पीछे क्या बैकग्राउंड में क्या होता है, इनके पीछे इसका साइंस क्या है, पीछे बायोलॉजी में क्या होता है इसमें, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।